टैग पेंटिंग, टैग पेंटिंग को हिंदी में कहते हैं नजाबंद। इसका परिचय, प्राचीन काल से घुड़सवारी का बहुत ही बड़ा योगदान है। इसमें दुश्मन के इलाके में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा उनको बर्बाद करके, जो उनके टेंट लगे हुए थे उनको तोड़ के और जो पिकट लगे हुए उनको फाड़ के वापिस अपने इलाके में वापस आते हुए हम घुड़सवारी की बहुत ही महत्व दिया गया। अब मैं बताऊँगा टैग पेंटिंग की जानकारी। टैग पेंटिंग की जानकारी, जो लाल सूखी है, जो लाल सूखी है टैग पेंटिंग की, वो होती है 8.2 सेंटीमीटर, यानी कि 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर से 275 सेंटीमीटर तक हम लाल सूख यूज कर सकते हैं। इसकी पटरी होती है, जो पटरी होती है इसकी पटरी का है 80 मीटर, 80 मीटर इसकी पटरी होती है। जो इसके पट्टी की जो बीच की दूरी है वो होती है 2 से 3 मीटर, 2 से 3 मीटर होती है। और जो इसके अंदर जो हम पट्टी बनाते हैं, जो पट्टी बनाते हैं उस पट्टी के अंदर या तो लकड़ी का बुरादा होना चाहिए, या अगर उसके साथ आपके पास सुविधा नहीं है तो आप लीद का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर लीद, इसका पट्टी के अंदर बहुत ही निहायत जरूरी है, क्योंकि घोड़ा अगर हार्ड जमीन होती है जब भी घोड़े को नुकसान होगा, और ज़्यादा अगर हम घास चलाएंगे तो फिसलन की भी चांस रहेगी। दूसरा, इसके अंदर 4 आयरन होते हैं और 4 ही पटरियाँ होती हैं और 4 ही घोड़े होते हैं। जो इस पटरी के, इस पटरी की बीच की दूरी 3 मीटर होती है। जब यहाँ स्टार्ट आपको राइट को यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ फिनिश करना है, 70 मीटर पे आपको परेड लेनी, जैसे यहाँ पर हो गया आपके 70 मीटर, 70 मीटर पे परेड लेनी। अगर बच गया 10 मीटर, यहाँ से परेड उठेगा टच होने के ऊपर, अगर परेड टच हो जाती है तो 2 अंक मिलेंगे। अगर 10 के अंदर प्रैग गिर जाती है तो आपको 4 अंक मिलेंगे, अगर 10 पार कर देती है तो आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। ये थी आपकी प्रैग की जानकारी। अभी आपको बोल रहा हूं जो प्रैग की कितने कितने की इंची भार होती है, इसमें होती है प्रैग होती है 13 सेंटीमीटर नीचे होती है और 17 सेंटीमीटर जो प्रैग ऊपर होती है, टोटल होती है इसमें इसकी 23 सेंटीमीटर की प्रैग होती है। ये बात प्रैग के बारे में। अब प्रैग होती है 2 प्रकार की। नंबर 1, जो खजूर के पेड़ से बनाई जाती है। दूसरे है जो गत्ते के से भी हम यूज कर सकते हैं। खासकर आपको एक और बताऊँ, जो गत्ते की होती है वो रात को हमें भिगो के तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि लकड़ी की होती है, हार्ड की होती है, जो नाच हम उसके अंदर देंगे तो उसके अंदर लगेगी, उसके अंदर ले जाएगी, प्रैग उठेगी नहीं, वो वहीं की वहीं टच होगी, वहीं की वहीं तक बढ़ेगी, उसके नंबर में नहीं मिलेगी। अगर वो गिली होगी लोग के अंदर जाएगी, लांच के अंदर जाएगी और घूमती हुई बाहर चली जाएगी। इसकी इसकी मोटाई होती है 1/2 इंच, ठीक है। इसके ऊपर जो गत्ते का है, अगर गत्ते का और खजूर की लांच उसका प्रेम का पक्का ही आपने उसमें चुना किया होना चाहिए, नहीं तो क्या पता गलती को बनाने पता नहीं चलेगा
घोड़ा आएगा और उसके साथ में निकल के चले जाएगा। देखिए राइडर जब भाग सकता है राइडर को दिखता नहीं है, अगर राइडर का निगाह सामने बिल्कुल और घोड़ा चलने पटरी को पकड़ने वाला होना चाहिए, तभी घोड़े को जब राइडर का निशाना उसी पे घूमेगा और घूमता हुआ ले जाएगा। तो ये है पक्का ही रात को भिगो चाहिए खजूर की और गद्दे वाले पे चुना दोनों भी चुना होना चाहिए। ये थी प्रेम के बारे में। अभी मैं बताऊंगा आपका समय, समय है इसका 800 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर की रफ्तार से घोड़ा चलेगा और इसमें पेनल्टी भी है, एक सेकंड एक पेनल्टी, इसके पेनल्टी का भी है, अगर लेट होगा तो एक सेकंड की एक पेनल्टी बनेगी। मान लीजिए इसमें चार राइडर होंगे, इसमें देखने वाली चीजें हैं, इसमें चार राइडर होंगे, चारों राइडर जो हम एक साथ उसकी गिनती से छोड़ जाएंगे, लेकिन उसे छोड़ने में तीन राइडरों की गिनती होती है। खासकर जैसे फर्स्ट वाला राइडर छूटा पहले छूटा, एक साथ सबको आदेश मिला स्टार्ट गो, झंडा सर एक साथ डाउन होता है रेडी सेट गो, तो उसमें क्या होगा आप घोड़े को अपने तैयार करके ले जा सकते हैं। दूसरा स्टार्ट पे फर्स्ट वाला घोड़ा स्टार्ट कर दिया, जो लास्ट वाला घोड़ा रह गया है उसकी गिनती फर्स्ट वाले की शुरू का टाइम दिया जाएगा और लास्ट वाले का फिनिश दिया जाएगा। फर्स्ट और लास्ट वाले का टाइम नोट किया जाएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले का टाइम दिया जाएगा। इसका अंक तो मैंने बता दिया आप लोगों को, जब इसके अंदर लगे हैं यहाँ से प्रेड लगे 70 पे तो 2, 4, 6 इसके अंक आप लोगों को मिलेंगे। इसमें इसके अलावा किसी भी कोई जानकारी या किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो साहब पेग जो बनाते हैं उसका कोई मतलब ना नाप तोल है क्या साहब? पेग रेता, हाँ रेता है, उसकी जो मोटाई है वो आधा इंच है, जो मोटाई है आधा इंच और जो उसकी लंबाई है आपको बता दी 3 सेंटीमीटर और उसकी उसको तीन भागों में बांटा गया है 2, 4 और 6 2, 4, 6 वो क्या सेंटीमीटर है क्या है? गेंद चल रहा था तो उसमें राइडर का क्या था कि दोनों पैर बांध रखे थे,
और वो रुमाल उठा था पैर से जाने वाला था, जो ही वो झुकया तो क्या हुआ, सैडल का जो तन था वो लूज हो गया, ढीला हो गया और वो सैडल ऐसे घूमने के बाद में राइडर घोड़े के पैरों के अंदर नीचे आ गया। अब आपको पता है किसी जानवर का विचार करो, वह जानवर होता है अगर अचानक किसी प्रकार की कोई चीज आती है तो वो बढ़ेगा, वो अपना जलवा दिखाएगा। तो जो ही उसके अंदर वो अंदर बढ़ा, पैर बांधे हुए थे खुला नहीं और वो जाके लटक गया। लास्ट में उसका क्या फैसला हुआ, जम के जब पोलो ग्राउंड के अंदर घूमता हुआ पेड़ के अंदर घुसा और ऐसे जाके ऐसे पड़ गया, उस राइडर के दो हिस्से ऐसे हुए। तो कृपा करके आपके बैठने के बारे में जो भी सामान आप लगाते हो राइडिंग करते समय पक्का ही एक दो बार पक्का ही अपने उस्ताद को बता के रकाब को और तंग को पक्का ही टाइट करें और हफ्ते में तीन बार पक्का ही सेकंड स्पाइक करें। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा तेल का इस्तेमाल करें, नहीं तो अभी तेल पहले अभी तो तेल का इस्तेमाल करते हैं रिबन आता था उसको रिबन होते जो रिबन बना अभी भी बनाते हैं ठीक है, लेकिन वो चमड़ा को मुलायम करता है, आपकी जो रकाब द्वारा उसको टाइट कर उसको नरम करता है, जितना भी चमड़ा नरम होगा उतना हमारा फायदा होगा। तो देखने वाली चीज है जो हम बैठते हैं राइडिंग शुरू करने घोड़े पर बैठने से पहले एक बार फिर मैं बता देता हूँ एक बार पक्का ही अपना सामान चेक करें, तसल्ली होने पर आप घोड़े पर बैठे। इसके बारे में इसके अलावा किसी को किसी प्रकार का पूछना हो तो मैं बता सकता हूँ।